नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPhone 12 वर्सेस Apple iPhone 13 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 5.78 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.81 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPhone 12 में 0.29 इंच जबकि iPhone 13 Pro में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 12 में 162 ग्राम जबकि iPhone 13 Pro में 203 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPhone 12 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 19:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.1 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1170x2532 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 86.89% थे। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 457 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 12 में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone 13 Pro की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 12 में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone 13 Pro की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iPhone 12 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और iPhone 13 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 9 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Apple GPU 4-core ग्राफिक्स देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 12 में Apple Bionic और iPhone 13 Pro में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो iPhone 12 में तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है, जबकि iPhone 13 Pro में तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPhone 12 में तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि iPhone 13 Pro में तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 12 में iOS V 14 जबकि iPhone 13 Pro में iOS V 15 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPhone 12 में 5 कलर्स जबकि iPhone 13 Pro में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 12 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 72,900 रुपीस,
4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 80,499 रुपीस, 4GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 92,900 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें iPhone 13 Pro की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 119,900 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 129,900 रुपीस, 8GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 149,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो एप्पल आईफोन 12 में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें एप्पल आईफोन 13 प्रो की तो उसमें 2 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 है, जो कि 134,999 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S25 5G है, जो कि 47,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo X70 Pro Plus है, जो कि 82,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 है, जो कि 157,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।